बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है फ्रेंड्स? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्री गैंग स्विच की इंस्टॉलेशन। थ्री गैंग स्विच का किस तरह कनेक्शन किए जाते हैं, किस तरह इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो मेरे पास जो यहाँ पर थ्री गैंग स्विच जो है, ये मिलानो की कंपनी है। मिलानो जो है इटली की कंपनी है। तो आज हम इस वीडियो में इसकी इंस्टॉलेशन किस तरीके से की जाती है वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको थ्री गैंग स्विच के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। ये मेरे पास थ्री गैंग स्विच है, वन वे थ्री गैंग स्विच, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका जो बैक साइड पे इसका जो कनेक्शन बॉक्स है, थोड़ा उसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है L11, L1, L21, L3, L31। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो L22, L2, L32। तो फ्रेंड्स, दो टाइप के स्विचेस होते हैं। दूसरी कंपनी का आप स्विचेस देखो तो वहाँ पे लिखा होता है L1 कॉमन, फिर L2 कॉमन, फिर L3 कॉमन। या ऊपर साइड में कॉमन पॉइंट्स होते हैं, नीचे जहाँ पर आपका हाफ फेज लगता है। तो L1 का मतलब है कि यहाँ पर आपका कॉमन पॉइंट लगेगा, यहाँ से लूप होकर फिर सीधा वो जो है आपका यहाँ पर आके कनेक्ट होगा, फिर उसके बाद यहाँ से कनेक्ट होके वो सीधा यहाँ पर हो जाएगा। जो ये L1 है, L3 है या L2 है, ये आपके हाफ फेजेस हैं। जो लाइट फैन या जो मतलब के लाइट या फैन से आ रहे होंगे, वो आपके जो हाफ फेजेस हैं वो यहाँ पर कनेक्ट होंगे। तो अब हम सीधा चलते हैं कनेक्शन बॉक्स में, जहाँ पर हमको ये मेरे पास एक बॉक्स है जहाँ पर मुझे ये थ्री गैंग स्विच लगाना है। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पर हमको थ्री गैंग स्विच की ज़रूरत है? आपके पास तीन हाफ फेजेस हैं, 1, 2 और ये 3। और ये जो है आपके पास ये मेन सप्लाई है। ये आपके पास जो है ये येलो ग्रीन वायर जो है ये अर्थ की है। तो हर जगह स्विचेस को अर्थ किया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने स्विच बॉक्स जो है, ये जी बॉक्स है, इसकी हमने एक अच्छे से सफाई की है, क्लीननेस की है। उसके बाद सबसे पहले अब हम यहाँ पर अर्थ कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अर्थ किस तरह कनेक्ट की जाती है। ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हम अर्थ कनेक्ट करेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये 2.5 mm का लग्स जो है, वायर लग, इसको मैं लगा कर यहाँ पर इसको प्रेस करने के बाद वहाँ अर्थिंग पॉइंट में लगा दूँगा। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लग कर दिया है। अब इसको मैं यहाँ पर ये जो अर्थिंग पॉइंट है वहाँ इसको मैं कनेक्ट कर दूँगा। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसकी अब अर्थ जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ अर्थिंग पॉइंट के साथ। ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने अर्थ को स्विच बॉक्स में कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, अब अर्थ कनेक्ट करने के बाद ये मेरे पास तीन हाफ फेजेस हैं जो लाइट से आ रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास जो है मेन सप्लाई है। मेन सप्लाई का किस तरह पता चलता है? हम लोग जब वायरिंग करते हैं तो हम इसके ऊपर एक या दो कट लगा देते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि जब हम कनेक्शन करने लगें तो हमको बआसानी पता चले कि ये हमारी मेन वायर है। तो अब इसको मैं सबसे पहले कट करूँगा जितनी मुझे चाहिए स्विच में। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दी। यहाँ से कट करने के बाद अब मैं इसको अनशील्ड कर दूंगा। ये मैंने अनशील्ड कर दी और ये लूपिंग आप देखें मैंने पहले से रेडी की हुई थी, जो कि मुझे कॉमन पॉइंट्स के लिए देनी है। ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो मेरी मेन वायर आ रही थी, इसके साथ मैंने तीन लूप्स बना के उसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये अब आपको पता चल जाएगा कि ये थ्री गैंग स्विच के लिए, ये देखें 1, 2 और ये 3, ये थ्री गैंग स्विच के लिए है। तो अब मेरे पास जो हाफ फेसेस जो हैं, मैं इनको अनशील्ड कर दूंगा और हम इसको स्विच में कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख लें वायर जो है मैंने अनशील्ड कर ली है। अब ये मेरे पास जो है ये स्विच है, ये स्विच के ऊपर कवर है। तो ये कवर को खोलने का तरीका आप देख लें, यहाँ पर इसके दो लॉक बने हुए हैं। अब वहाँ इसको प्रेस करेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगा। ये देखें, ये इसका कवर मैंने रिमूव कर दिया। तो अब हम इसके जो हैं कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं सबसे पहले जो मैंने इसकी जो मेन वायर आई थी उसके साथ जो कॉमन लूपिंग की है, मैं वो सबसे पहले वो कनेक्ट कर दूंगा।
तो ये जो मेन सप्लाई की वायर आई उसके साथ जो कॉमन लूपिंग की वो L11 में कनेक्ट की, फिर यहाँ पर मैं करूँगा इसको L21 में। ये आप देख सकते हैं, फिर मैं इसको कनेक्ट करूँगा L31 में, तो यहाँ पर ये मेरे पास कनेक्ट हो गए, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने कनेक्ट कर ली। अब मेरे पास जो तीन हाफ फेजेस आए हुए थे अब वो मैं कनेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं L1 में कनेक्ट कर दूँगा, फिर मैं यहाँ पर L2 में कनेक्ट करूँगा इसको, ये हाफ फेजेस हैं जो के लाइट और फैन वगैरह से आए हुए हैं। और यहाँ पर लास्ट जो है मैं L3 में कनेक्ट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने जो वायर्स हैं ये सारी कनेक्ट कर दी हैं, जो कि इसकी मेन आई हुई थी और हाफ फेजेस जो आए हुए थे। तो फ्रेंड्स अब मेरे पास जो इसका कवर था अब वो मैं कवर इसके ऊपर फिक्स कर दूँगा। फ्रेंड्स ये हमारा जो 3 गेंग स्विच का कनेक्शन इंस्टॉलेशन जो थी वो कंप्लीट हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दें, और जो मेरे फ्रेंड्स न्यू आए हैं मेरे चैनल पर तो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।